नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों, मेरा हाजुर राम राम। मैं फिलहाल मौजूद हूँ खानपुर पीजीआई के अंदर। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार खानपुर पीजीआई। यहाँ एक बहुत बड़ा मामला है, जो छिछड़ाना गांव, सोनीपत जिला गांव है ये, घोहने के पास में छिछड़ाना। वहाँ सरपंच साहब की गोली मार के हत्या कर दी गई है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ उसके शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। यहाँ कुछ गांव वाले मौजूद लोग और भी हैं, ये बाजू में भी गांव वाले हैं, क्योंकि एक छोटी बात नहीं है। गांव के मुखिया मौजूदा लोग सरपंच जो है उनको गोली मारने की हत्या का मामला सामने आया है। तो मैं कुछ यहाँ उनके नज़दीक की हैं, परिवार के हैं, गाँव के हैं, एक दो बात जानना चाहूँगा और आपके सामने लेके आएंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। अपना शुभ नाम क्या है साहब? कृष्ण मलिक। मलिक साहब, ये जो सरपंच साहब वाक़ा हुआ है, इनका क्या नाम है? राजेश। राजेश सरपंच छिछड़ा। राजेश सरपंच, मौके पर सरपंच साहब यही है? हाँ जी। कितने की उम्र होगी इनकी? इनकी होगी 52-53। बच्चे? तीन बच्चे हैं, वो लड़की है, बड़ी लड़की वो कर्नल है, तो वो लग रही है, वो दूसरी शादी भी कर रखी है, 2-3 साल पहले शादी कर दी थी। एक बेटी, दो बेटे? दो बेटे हैं, बेटे ने मेरे घर में। अच्छा, पता है गांव में कई गोली लाकर निर्मम तरीके से हत्या करी गई इनकी, सही सुन रहे जी वो? हाँ, वो खेत में जाए थे सुबह, तो हमें भी तो पता लगा था, किसी ने भाई का फोन आ रहा सुबह 6:30 बजे ही। अच्छा अच्छा। उन्होंने सरपंच का खेत में जाया था, खेत में जाते वक्त सुबह खेत में जाते टाइम वाका हुआ। हाँ हाँ, खेत में जाते, खेत का रास्ता ही बीच में गया था, खेत में जा लिया था अपने खेत में जी जी, और रास्ते में गया था, रास्ते में जाते जाते उसको गोली मारे। इनकी कोई पुरानी रंजिश थी या कैसे, क्या हुआ जी, कुछ अंदेशा है इस बात का? हाँ, वो तो सुनने में आया है, जो यहाँ है उन्होंने भी, उनके परिवार वालों ने जो रिपोर्ट लिखवाई है, तो उस रिपोर्ट के, वहाँ जो रिपोर्ट लिखवाई थे, वहाँ साथ में ही खड़े थे हम, जो पीछे था इलेक्शन के टाइम पे, एक वो प्रत्याशी था हमारा दलबीर जी जी, उसका वो गोली मार दी थी, गांव वाले हैं का नाम उसमें भी जी जी, तो उसमें भी वो कहे है हमें तो बदला लिया है, जो दो है संस्कार होने से पहले ये मामला लिया कि भी बदला ले लिया? नहीं नहीं, उन फेस अपना, उसका फेसबुक था, उस पर डाल रखे बताऊँ। अच्छा अच्छा। जो उनके भाई का लड़का था, जो दलबीर था। अच्छा अच्छा। प्रत्याशी था पीछे, मतलब बराबर में जो दूसरा पक्ष खड़ा था जो। हाँ हाँ, उसका उनके परिवार में से, उसके परिवार में से उनने फेसबुक पे वो करा है, बोला पोस्ट डाल दिया, पोस्ट डाल दी। अभी तो शुरुआत की है जो, मतलब शुरुआत ही, मतलब और भी नुकसान हो। हाँ हाँ, उसका हिसाब तो जो उन्होंने डाल रखे उस हिसाब तो होगा। अभी ये नहीं हुआ कितनी गोली लगी कितनी नहीं? ना, ये नहीं अंदेशा होया, वो तो बिल्क लेके दे पोस्टमार्टम में। अच्छा अच्छा। और वो पोस्टमार्टम में लिया पास, फिर इसमें डेड हाउस में ले जा रहे हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रहे हैं, कितनी गोली लगी कितनी, ये अंदेशा नहीं हो लिया हमें। अच्छा अच्छा। हाँ, यही बैठे हैं सुबह जा रहे हैं। कुछ ऐसा होया कि वहीं पे मौके पे डेड हो लिया या यहाँ के रास्ते में? नहीं नहीं, मौके पे हो लिया था, मौके पर हो लिया था। मतलब यही है, मतलब जो पोस्ट डाली है या पुलिस तस्दीक के मुताबिक गांव के, गांव में पुरानी जो इलेक्शन के दरमियान इस रंजिश को लेकर वाक़ा हुआ है। हाँ बस, वो तो हम तो पहले नहीं मान रहे थे, वो इलेक्शन का वो है, वो क्यों काम जो वो था, उन्होंने भी नहीं कही थी इलेक्शन की, उसमें मारे हैं, जो इवन वोट डाली हो तो ये भी लगा, पोस्ट डाली है तो लगा, वो ओपन हो गया, ओपन हो गया, वो मतलब इलेक्शन का वो मान रहे थे, वो उसमें जो हमारा मारा था इसका सरपंच का हाथ था। अच्छा, इलेक्शन के दरमियान उनका भी कोई नुकसान हुआ था? नहीं नहीं, मौत हुई थी ना उसकी, गोली लगी थी जो आपने नहीं वो पीछे। हाँ, पीछे हुई थी, वो इलेक्शन थे 2 दिन पहले वो मौत हो गई, वो कैंडिडेट था वो। अच्छा, वो भी कैंडिडेट था, इलेक्शन 2 दिन पहले वाक़ा होया, उसके साथ में निर्मम तरीके से मौत हुई थी उनकी, गोली लगकर गोली लग। उन्होंने शक जताया इन्हीं के ऊपर? हाँ, उन्होंने शक जताया कि भाई जो यूँ मारा था वो चाचाताऊ था जो था, वो मरवाने में इसका सरपंच का हाथ था जी, अंदेशा लगा के इन वो कराया। ऐसा नहीं होता जी, मान ले करनिया उस समय मान ले कोई और शक के दरमियान नुकसान या आपस में हो जाए, कई बार हो जाए ऐसा? हम तो मान नहीं रहे हैं, हम तो जो गांव के जो थे ऐसी भी बात नहीं थी, वो जो था दलबीर माई था उसके लिए भी बोलचाल ठीक थी जी जी, और वो था, हम तो ये मान भी नहीं रहे थे भाई इसने करवाई है, पर वो तो वो अपना उसमें मान नहीं रहे थे, जो उनका अपना मानना था कि उनका, हाँ उनका अपना मानना था जी। हाँ, मैं तो काम अभी तक भी नहीं हो लिया था, वो उसमें जो सरपंच थे बहिष्कार था नहीं, हमने तो किसी पर ना किसी पर सुनी, क्यों 1 साल से ज़्यादा हो गया उसकी, वो थी नवंबर 10 नवंबर को, इलेक्शन से 2-4 दिन पहले की बात। हाँ, थी 12 का इलेक्शन था। क्या नाम था उनका अभी? उनका और दलबीर फौजी, दलबीर फौजी बिल्कुल वायरल हुआ था काफ़ी मुद्दा, दलबीर फौजी वो भी तो वायरल उनका था, वो भी मतलब इलेक्शन तो 2 दिन पहले जब मौत हुआ था उसमें तो थोड़ा वायरल तो उनका ही था जी जी।
उसकी भी ऐसे ही हत्या हुई थी। अभी ये पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अभी ये पता नहीं लग गया गोली क्या लगी क्या नहीं। नहीं वो नहीं पता लिया, क्यों पोस्टमार्टम होगा जब हम भी अंदर बार बार नहीं जा रहे, क्यों वो करेंगे। जी जी, वो तो लेते गए थे वहाँ, उसमें एक्सरे रूम में ले गए थे, वो देखेंगे कितने। आज सुबह क्या बजे का था मेरे ख्याल से? 6:30 बजे का सुबह। मतलब घर से वॉकिंग के लिए पैदल गए हो? कोई नहीं, नहीं बाइक पर जाते हैं, वो थोड़ा खेत इसका खेत मकान से मतलब 1.5-2 किलोमीटर दूर है, रास्ता से नज़दीक भी हो, उस पर पैदल जाते ही नहीं, बाइक पर जा रहा था। जी जी, सुबह दिल्ली का काम था उसका, सुबह वो बाइक पर जा रहा था जब वो हमारे। आज जैसे गाँव वालों ने बताया है कि पुरानी इलेक्शन के दरमियान जो रंजिश के दौरान जो सख्तता गया उसके ऊपर हो ना हो, कई बार ऐसा हो जाए करने वाला कोई और हो और नुकसान किसी और को भुगतान करनी पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपस में। गांव के गांव में राजनीति मुद्दे को वहीं के वहीं क्लोज कर देना चाहिए, न कि उसको लेकर इशू पैदा हो और आपस में जान माल के नुकसान हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप लोग इस जो सरपंच साहब आज इस दुनिया में नहीं है उसको लेकर पूरा गांव शोक में बैठा है, उसकी आत्मा शांति के लिए एक ओम शांति का कमेंट जरूर डालना। और इसमें पोस्टमार्टम में कितनी गोलियां लगी कितनी नहीं, पुलिस जो खुलासा करेगी, अगली अपडेट आपको वो भी मिल जाएगी जैसे जैसे अगली अपडेट ओपन होएगी। और जब तक आप लोग इसको शेयर करते रहना, और किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है, तमाम बातें पीड़ित ग्रामीणों की बताना है। और बने लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद, सत्यमेव जयते हैं।